Hello dear viewers, welcome to the second unit of English grammar course. We are going to discuss today subject and predicate. जब हम कोई sentence बनाते हैं तो हम किसी person या thing का नाम लेते हैं और फिर उस person या thing के बारे में कुछ बोलते हैं. Simply कहा जाए तो हमारे पास subject होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करें और हमारे पास प्रेडिकेट होना चाहिए जो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोले या कुछ बताए. इसलिए हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट जिसमें किसी पर्सन या थिंग का नाम हो जिसके बारे में हम बात करेंगे उस पार्ट को सब्जेक्ट कहा जाता है. मिसाल के तौर पे द बॉय केम इन फ्रंट ऑफ द कार. इस सेंटेंस में हम द बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट द बॉय है. सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताए उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे द बॉय केम इन फ्रंट ऑफ द कार सेंटेंस में केम इन फ्रंट ऑफ द कार प्रेडिकेट है, क्योंकि ये हमें बॉय के बारे में बता रहा है. तो सेंटेंस का वो पार्ट जो किसी पर्सन या थिंग के नाम को मेंशन करे उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. अक्सर स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो पार्ट सेंटेंस के शुरू में आए वो सब्जेक्ट है, उसके बाद वाला हिस्सा प्रेडिकेट होता है. इसको मैंने मिसकंसेप्शन इसलिए कहा क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आए और प्रेडिकेट बाद में. कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनमें प्रेडिकेट सब्जेक्ट से पहले आता हो. मिसाल के तौर पे बिहाइंड द बुशेस लिव्स अ रेसलर या स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. इन दोनों सेंटेंसेस में आप होमवर्क के तौर पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढ कर नीचे कमेंट करें. आई शेल गिव यू फीडबैक फॉर देट. इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट मैंशन नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैंड अप या कॉल हिम. इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है. जब मैं स्टैंड अप कहता हूँ तो इट मीन्स मैं आपसे यानी सेकंड पर्सन यू से मुखातब हूँ. तो इन सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट मेंशन तो नहीं करते पर सब्जेक्ट मौजूद ज़रूर होता है जो अंडरस्टूड होता है. आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अब सही तरह समझ आ गए होंगे.